कितनी बाइसेप्स कर रखी है ये भैया? होंगे 17 इंच। वाह गुरुजी वाह यार, 17 इंच के बाइसेप्स कर रखे हैं। आपको बेस्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट, बेस्ट अचीवर मेडल, ये सप्लीमेंट्स मिला की तरफ से। यहाँ पर ये जिम बैग, टी शर्ट, शेकर, स्पोर्ट शूज, BCAA, ये सब कुछ गिफ्ट है। कुछ ये गिफ्ट। वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए। आज हमारे भाई आए हुए हैं राजा जी, और मैं हूँ आज कानपुर आउटलेट। दोस्तों मैं सबसे पहले तो भाई का धन्यवाद करूंगा। राजा भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। किस लिए? भाई को भी नहीं पता अभी। धन्यवाद इसलिए कि भाई अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। ये आज आपको बताएंगे कि बिफोर स्टीरॉइड्स और आफ्टर स्टीरॉइड्स क्या हाल हुआ इनका, और कब से सप्लीमेंट्स वाला से जुड़े हुए हैं। और अब जरा पूछ लूँ भैया, अब आपने ये जो बॉडी बनाई है भैया, अब तो स्टीरॉइड नहीं लिए, सच बताना? नहीं भैया, आप नहीं, आप नहीं लिए हैं। और कब से जुड़े हुए हैं जी आप? 2 साल से। 2 साल से जुड़े हुए हैं सप्लीमेंट्स वाला पर। आज कौन सा विजिट है आपका? आज 5वां है। 5वां विजिट है यार। हर बार सप्लीमेंट कहाँ से लेते हो जी? सप्लीमेंट विला यहीं से लेते हैं। सप्लीमेंट्स विला से लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजा जी। कहाँ से हैं आप? हम छिपरा मुँह से आए हैं जी। छिपरा मुँह से भैया आए हैं स्पेशली। तो अब जरा स्टोरी भैया की सुनते हैं। और आज मैं भैया को जो है बेस्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट और मेडल भी दूंगा। इनकी बॉडी देखकर मेरा भी दिल खुश हो गया। मैंने कहा वाह मज़ा आ गया। चलो इंट्रोडक्शन तो हो गया, स्टोरी सुनते हैं। भैया बताओ जी, क्या क्या हुआ था आपके साथ स्टीरॉइड से पहले, पूरा सिस्टम, ताकि नए बच्चे भी सीख सकें। और कितनी उम्र है आपकी? भैया मेरी है 22 साल। 22 साल। हाँ, तो क्या हुआ था जी बताइए। मैं समथिंग 18 साल का था जब जी। तो इससे पहले मैं गुड़गांव में रहता था। अच्छा, गुड़गांव रहते थे आप जी? दिल्ली NCR में तो बुरा हाल है जी। जी जी। तो ये बात है लॉकडाउन से पहले की है जी। जहाँ मैं वर्कआउट करता था वहाँ के ट्रेनर ज़्यादातर स्टीरॉइड सजेस्ट करते थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा इतने इतने पैसे लगेंगे और बॉडी भी जल्दी बनेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो मैं उनकी बातों में आ गया। बट उन्होंने मुझे स्टेरॉइड भी दिया, बट लोकल दिया जी। हाँ, तो उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो भी हुआ उसका रिजल्ट तो मिला मेरे को अच्छा, स्ट्रेंथ भी बढ़ी। जब आप ले रहे थे तब मज़ा आ रहा था? जब मज़ा आ रहा था जी। और कुछ समय के बाद मैंने देखा फेस पे पिंपल्स आने लगे, तो उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। फिर मैं धीरे धीरे देखा पिंपल्स बहुत ज़्यादा होने लगे। जब मैंने ट्रेनर को बोला, कह रहा बेटा ये तो नॉर्मल बात है, किसी के पीठ में निकलते हैं, किसी के चेस्ट पे निकलते हैं, किसी के फेस पे निकलते हैं। ठीक है। मैं ठीक है, वो चले जाएंगे अपने आप ही। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, चले जाएंगे। तो मैं देखा, नोटिस करा ये फेस पे पिंपल्स जा ही नहीं रहा, ये जम ही गए, जा ही नहीं रहे। और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी कुछ पिंपल्स हैं राजा। अभी भी हैं। हाँ, ये उसी के वो साइड इफेक्ट है। उसी के साइड इफेक्ट, पिंपल्स तो चले गए पर उसके निशान जो ब्लैक ब्लैक ये ज़्यादा रहेगा, ये नहीं जा रहा है। ये देख रहे हैं पूरा चेहरा भैया का जो है ये उसी टाइम का ही है जब इनके पिंपल्स हुए, और पूरा ब्लैक ब्लैक पूरे निशान रह गए हैं चेहरे पे। और भैया फिर अच्छा, उस स्टीरॉइड छोड़ने के बाद क्या हुआ जी? फिर स्टीरॉइड छोड़ने के बाद ये साइज अपने आप ही धीरे धीरे डाउन होता चला गया। डाउन होता चला गया, मतलब से ये तो बहुत शुक्र की बात है कि इनको माइनर वाले साइड इफेक्ट हुए हैं कि पिंपल्स, क्योंकि पिंपल्स और हेयर फॉल तो फिर भी चलो ये है कि कुछ नहीं। क्या होता अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आती? क्या होता अगर किडनी में प्रॉब्लम आती, हार्ट में प्रॉब्लम आती? और दोस्तों ये जो आप सुन रहे हो ना, जिमों में हार्ट अटैक हो रहे हैं, हार्ट फेलियर, इतने सारे केसेस आप देख रहे हो, भैया ये जिम करने से ना हो मैं, ये वे प्रोटीन खाने से ना हो मैं, ये पता है किससे होते हैं? ये स्टीरॉइड से होते हैं। और यहाँ पर भैया बता ही रहे हैं गुड़गांव थे, दिल्ली NCR में तो हाल ही बुरा है यार। मतलब मैं अगर एक आइडिया लगाऊं, जो मुझे पता है सर्वे के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली NCR में 50% जिम करने वाले किसी ना किसी तरीके से जाने अनजाने में स्टीरॉइड्स ले रहे हैं जी। बिल्कुल ले रहे हैं। 50% है आंकड़ा, बड़ा हो सकता है 70% लोग ले रहे हैं। सुन लो यहाँ पर 70%। और भैया रिजल्ट वजल्ट सब इनके हो गए डाउन, नहीं टिका कुछ भी रिजल्ट? कुछ भी नहीं टिका, जब से यहाँ जुड़े हैं, जब से रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। अब यहाँ से फिर आप क्या क्या ले जा चुके हैं जी? यहाँ से फर्स्ट टाइम मैंने लिया था, एक क्रिएटिन लिया था, टेस्टो पावर और पावर मास का गेनर बाल्टा लेके गए थे। बाल्टा लेके गए थे जी? जी। कितना वजन बढ़ा उससे? उससे मेरा समथिंग 6 किलो वेट बढ़ा था, क्योंकि मैंने डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करी थी इस वजह से 6 किलो वजन बढ़ा। उसके बाद और क्या लिया जी आपने फिर? फिर उसके बाद मैंने लिया पावर मास, पावर प्रो का साइज गेन प्रोटीन। प्रोटीन हाँ। उसके बाद? उसके बाद मैंने टेस्टो पावर फिर लिया, फिर प्रो NTM का RC। देख रहे हैं, मतलब यहाँ से सप्लीमेंट्स ये मतलब लगातार ले रहे हैं, बार बार इन्होंने सप्लीमेंट्स लिए। अच्छा भैया, कभी कोई नुकसान, कोई साइड इफेक्ट? नहीं, नुकसान नहीं, और फुल टीम का सपोर्ट भी मिला है। फोन करके पूछते रहते भैया कोई नुकसान तो नहीं जी, बताते रहते हैं। तो सुन लो यहाँ पर, ये है सप्लीमेंट्स वाला परिवार। अच्छा मैं एक राजा से पूछता हूँ, राजा मुझे एक चीज़ बताओ, इन फ्यूचर हमेशा कभी भी आपको सप्लीमेंट लेना हो तो कहाँ से लेंगे? सप्लीमेंट बिलाई से लेंगे, और मेरे जितने भी फ्रेंड है उनको भी सजेस्ट करूंगा कि यहीं आए अगर उनको बॉडी बनानी है तो जी। और ओरिजिनल सप्लीमेंट यहीं मिलेगा, सप्लीमेंट बिला पे। और भैया आप मुझे एक चीज़ बताओ कि चलो आपने अयर बॉडी
तो आपने मतलब जो स्टीरॉयड वाली बता दी। अब अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है कोई भाई हमारा और वो स्टीरॉयड ले रहा है या लेने की सोच रहा है, उसको सलाह और दे दो जी। मेरी सलाह तो ये है, स्टीरॉयड के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। उससे बॉडी बड़ी जल्दी बन जाती है, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा, आने वाले टाइम में आपके लिए वो बहुत ही बेकार चीज़ है। ये है साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टीरॉयड्स, क्योंकि दोस्तों वो आर्टिफिशियल हार्मोन होते हैं, हमारी बॉडी खुद अपने वाले बनाना बंद कर देती है। और भैया ये शरीर है, कोई लैब नहीं है, खिलवाड़ करे जा रहे हो, दोबारा बनाना स्टार्ट करे ना करे क्या गारंटी है? वॉश आउट कर लो, ये कर लो, भाई कोई वॉश आउट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और स्टीरॉयड से दूर रहो, स्पेशली यंगस्टर्स जो नए बच्चे हैं, क्योंकि आप देखो जब आप जिम गए थे तब आप भी बिगिनर ही थे ना, नए थे बिल्कुल, आप भी तभी फंसे। अब आपको एक्सपीरियंस हो गया क्या, अब फंसोगे? अब बिल्कुल नहीं फंसेंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे, ना अपने किसी को फंसने देंगे। तो इसलिए बिगिनर्स ज़्यादा फंसते हैं, बिगिनर्स को ध्यान रखना है। और भैया चलो अब ठीक है, अब इन्होंने जो भी रिजल्ट आए डाउन हो गए कुछ है, पर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा राजा, एक बार यार टी शर्ट उतार के दिखाओ जरा, अब कैसी बॉडी है तुम्हारी, 2 साल से जुड़े हुए सप्लीमेंट सलाह से, यार मैं भी देखूं, भाई सब देखेंगे ये बात। तो दोस्तों ये बात देखो, बैठो भाई, ये है भैया के, देखो भाई कितने बाइसेप्स कर रखी है ये, भैया होंगे 17 इंच। वाह गुरु जी वाह यार, 17 इंच के बाइसेप्स कर रखे हैं, वाह। तो ये है नेचुरल। अच्छा अब इसमें जो है यार राजा, जो भी तुम रिजल्ट आते हैं सप्लीमेंट से, नो डाउट वो स्लो आते हैं, पर वो टिकते नहीं, टिकते हैं स्लो आते हैं पर टिकते हैं। और भैया पूरा मतलब मैंने पूछा इनका शेड्यूल, तो भैया ने बताया पूरी डाइट का ख्याल रखते हैं, पूरा जिम एक्सरसाइज वगैरह पूरा ध्यान रखते हैं। क्योंकि भाई देखो सप्लीमेंट अपनी जगह है, पर अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी एक्सरसाइज अच्छी नहीं है, तो क्या कोई सप्लीमेंट रिजल्ट देगा? नहीं देगा यार। तो ये बहुत मेन चीज़ है कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेगी, डाइट लेनी पड़ेगी। तो देखो भैया जुड़े हुए हैं, और भैया आप 5 स्टार में से सप्लीमेंट्स लगो क्या रेटिंग करेंगे आप? भैया मैं तो 5 नहीं 6% दूंगा। ये देख लो भाई, 5 में से 6 स्टार रेटिंग दे रहे हैं भैया की इस अचीवमेंट पर, मेरा भी दिल खुश है और मैं भी ट्राई करूंगा यार, बाइसेप्स मेरी भी 17 हो जाए। वैसे यार मैं ठीक है, मैं तो उल्टा वजन ही कम कर रहा हूँ, पर हाँ भैया देखो बढ़िया बाइसेप्स लग रही है राजा की, भैया की इस अचीवमेंट पर सप्लीमेंट्स विला की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट, बेस्ट अचीवर मेडल, ये सप्लीमेंट्स विला की तरफ से। यहाँ पर ये जिम बैग, टी शर्ट, शेकर, स्पोर्ट्स शूज, BCAA, ये सब कुछ गिफ्ट है, कुछ गिफ्ट भाई को अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सप्लीमेंट्स विला की तरफ से। और भैया कैसा फील हो रहा है आपको जी? बहुत बढ़िया फील हो रहा है भैया। दोस्तों ये समझे आप, ये असली इनकी अचीवमेंट है जो इन्होंने 2 साल में पाई है। देखो ये बॉडी इनकी जो बनी है भाई, इनका जो भी 17 इंच का डोला हुआ भैया, 2 महीना में तो ना हुआ भाई, मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी, बॉडी बनने में टाइम लगता है, 2 साल लगातार, 2 साल मेहनत आप करेंगे आपकी भी बन जाएगी, किसी की भी बन जाएगी, पर डेडिकेशन बड़ी चीज है। तो इसलिए दोस्तों आप प्लीज़ स्टीरॉयड्स वगैरह से दूर रहें, ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए बनाइए सीखने के लिए, जुड़े सप्लीमेंट्स वाला से, कुछ भी आपको सप्लीमेंट चाहिए आप ऑर्डर करें ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, क्योंकि सप्लीमेंट्स वाला के आउटलेट्स अब ऑफलाइन भी ओपन हो रहे हैं हर जगह, और सारे आउटलेट्स आपके अपने फ्रेंचाइजी वाले नहीं है ये, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं? दिल्ली कालका जी, दिल्ली रोहिणी, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, जयपुर, गुरुग्राम, पलवल हरियाणा और लुधियाना पंजाब, यहाँ पर सप्लीमेंट्स वाला के आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं। और जल्दी आउटलेट ओपन होगा कहाँ? पटना, बिहार, आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश, उसके बाद पुणे महाराष्ट्र में जल्दी आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ पुणे महाराष्ट्र, बहुत डिमांड है। और भैया कह रहे भैया बहुत नकली सप्लीमेंट है महाराष्ट्र में, आ रहा हूँ जल्दी। तो दोस्तों आप आउटलेट विजिट कीजिए, नहीं कर सकते तो ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, कैश ऑन डिलीवरी भी है, 4 से 6 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगा। जोड़ो सप्लीमेंट्स वाला से यार, नकली सप्लीमेंट्स मत लो। और एक सलाह और दूंगा, एक सलाह ये दूंगा कि अगर आपका बजट कम है कि भाई भैया मेरे पास तो 1000 रुपये हैं यार, देखो भाई 1000 रुपये में तो सप्लीमेंट आएगा नहीं, तो अगर आपके पास 1000 रुपये ना, आप 1000 रुपये में बजाय चूरन चटनी कोई गोली कोई नकली कोई सस्ता प्रोटीन वोटीन ढूंढते घूमते हैं, उससे बढ़िया है 1000 रुपये का गन्ने का जूस पी लो, चने खा लो, आलू खा लो, मैं कह रहा हूँ रोटी खा लो, वो बढ़िया है, बजाय आप सस्ते के चक्कर में कोई गलत चीज़ लोगे और लीवर किडनी दे बैठोगे। तो भाई प्लीज़ ऐसा मत करो यार, जुड़ना है तो सप्लीमेंट्स वाला से, सप्लीमेंट्स ऑरिजिनल लेने हैं तो सप्लीमेंट्स वाला से, और बजट नहीं है तो नहीं लेंगे, डाइट लेंगे घर की अपनी, चने ले लेंगे वो बढ़िया है। और ये वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं मुझसे भैया मेरे मम्मी से बात करो पापा से बात करो, भाई मैं सबके मम्मी पापा से बात नहीं करना चाहता, ये वीडियो अपने मम्मी पापा को दिखा दो आप। मैं कहना चाहूँगा आपके मम्मी पापा को कि आपके बच्चे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है,
और अपने बच्चे को जिम लगवाओ आप, बहुत बढ़िया रहेगा, गलत आदत से बचेगा, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, लाइफ मस्त हो जाएगी। और जिम की लत तो ऐसी लत है सबसे हेल्दी लत, और मैं कहूँ पूरी ज़िंदगी लगी रहे तो बहुत बढ़िया है। तो बच्चे को जिम जरूर भेजो, बच्चे को प्रोटीन चाहिए, गेनर चाहिए, फैट बर्नर चाहिए, कुछ भी चाहिए, वजन बढ़ाना है घटाना है बॉडी बनानी है, उसको बोलो कि सप्लीमेंट्स ले तो सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला से, इधर उधर से नहीं, नकली और सस्ते के चक्कर में नहीं। तो जुड़ो सप्लीमेंट्स वाला से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली बार मिलूंगा इसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राजा का बहुत बहुत धन्यवाद है यार। अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर करना ये बड़ी बात है, वरना स्टीरॉयड लोग ले लेते हैं पर स्टोरी नहीं बताते यार, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे भाई आते हैं, विजिट करते हैं, वो बताते हैं अपनी स्टोरी, में कहता हूँ भाई एक वीडियो बनवा दो, जब मना कर देते हैं भैया नहीं। तो राजा ने ये वीडियो बनवाई, इसके लिए मैं राजा को फिर से सैल्यूट करता हूँ। राजा थैंक यू यार, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, नमस्कार।